वॉल्फ एट द डोर। दोस्तों ये कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हम मैरी और जॉन नाम के एक कपल को सोते हुए देखते हैं। तभी अचानक कोई उनके मेन गेट को नॉक करता है, जिसे सुनकर मैरी जाग जाती है और डरते हुए अपने हस्बैंड से बाहर जाकर चेक करने को कहती है। फिर जॉन नीचे जाकर चेक करता है तो उसे गेट पर कोई नजर नहीं आता। फिर वो वापस ऊपर आता है और मैरी को कहता है कि घर के बाहर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों दोबारा सोने लगते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे मैरी बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ जॉन चेक करने के लिए फिर से नीचे जाता है, जहां उसे एक आदमी अपनी ओर आते हुए दिखता है, जिसे देखकर जॉन बहुत डर जाता है और जल्दी से मैरी के पास जाकर गेट लॉक कर लेता है। इसी बीच मैरी विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक लड़की की शैडो दिखती है, लेकिन जब जॉन विंडो के पास आता है तो वहां से लड़की गायब हो जाती है। तभी अचानक घर में घुसा आदमी उनके गेट को तोड़ देता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन के घर में पुलिस वाले को आता हुआ देखते हैं। ये पुलिस ऑफिसर जब घर में आता है तो घर की दीवार पर उसे लिटिल पिग लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि उस अनजान आदमी ने खून से लिखा था। पुलिस वाला डरते हुए जॉन के रूम में पहुँच जाता है, जहाँ अचानक से जॉन और मैरी उसके सामने आकर उससे हेल्प मांगने लगते हैं। फिर ऑफिसर अपने हेड और बाकी ऑफिसर्स को जॉन के घर बुलाता है, जहाँ डिटेक्टिव क्लार्किन जॉन से पूछताछ करता है कि क्या कोई उसका दुश्मन था या कोई किसी बात का तुमसे बदला लेना चाहता है, जिस पर जॉन मना करता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सैरन, जय, वोजेक और एबिगेल नाम के चार दोस्तों को देखते हैं, जो कि एबिगेल के बोस्टन वापस आने की खुशी में डिनर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ एबिगेल कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बिना अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अपना बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ मनाना चाहती हूँ। इस बात से वॉयजेक को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो एबिगेल को पसंद करता था और बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहता था। खैर चारों दोस्त आपस में बातें करते हैं और फिर सभी सैरन के घर निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सैरन प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड काम के कारण बाहर रहता है। अब थोड़ी देर बाद वो सभी सैरन के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ सैरन अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है। तब एबिगेल और सैरन उस गाड़ी के पास जाकर उसे चेक करने लगती हैं, जिसमें सैरन को दो स्पीकर वाला रेडियो दिखता है और वो एबिगेल को उस रेडियो के बारे में बताने लगती है। दूसरी तरफ हम सैरन की कॉलोनी के मेन गेट पर एक अनजान गाड़ी को आता देखते हैं। इधर सैरन के घर के सामने खड़ी गाड़ी का ओनर स्टीवन वहां आता है, जो सैरन को बताता है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले विलियम का दोस्त हूँ और उसे रेडियो देने के लिए आया था। इसके बाद स्टीवन अपने दोस्त के घर चला जाता है और सैरन एबिगेल भी बात करते हुए अपने घर में चली जाती है। इधर विलियम और स्टीवन दोनों उस रेडियो से म्यूजिक सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, जिस दौरान हम एक अनजान लड़की को उनकी विंडो पर नॉक करते हुए देखते हैं। लेकिन विलियम और स्टीवन को म्यूजिक के कारण नॉक की आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद स्टीवन विलियम के घर से चला जाता है। दूसरी तरफ एबिगेल वॉयजेक से बातें करती है और सैरन भी अपने हस्बैंड को फोन करके उससे बात कर रही होती है। तभी अचानक सैरन का फोन कट हो जाता है, जिससे लगता है कि किसी ने जानबूझकर फोन लाइन को काट दिया है। यहाँ स्टीवन अपनी कार से जा रहा होता है, तभी उसे कॉलोनी का गेट लगा हुआ दिखता है, इसलिए वो गेट खोलने के लिए अपनी कार से उतरता है और देखता है कि गेट पर फोन लाइन की कटी हुई केबल पड़ी है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गेट खोल देता है। तभी अचानक उसकी कार की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है, जिससे स्टीवन को बहुत डर लगता है और वो जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जब स्टीवन उस आदमी को हटने को कहता है तो वो आदमी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे स्टीवन और भी घबरा जाता है। तभी स्टीवन की नजर पीछे की ओर जाती है, जहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। स्टीवन उस लड़की को देखकर बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद वो अनजान आदमी और लड़की स्टीवन को पकड़कर उसे बुरी तरह मार डालते हैं। खैर यहाँ इन अनजान लोगों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर हम वॉयजेक को देखते हैं, जो स्मोक करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। इधर एबिगेल अपने रूम में पैकिंग कर रही होती है, तभी उसे विंडो से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद एबिगेल रूम से बाहर निकलती है। तब हम उसके पीछे उसी लड़की को देखते हैं, जिसने अभी अभी स्टीवन को मारा था। खैर एबिगेल किचन में जाती है और अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या थोड़ी देर पहले तुमने कोई आवाज सुनी थी, लेकिन जय और सैरन उसे मना कर देते हैं। अब एबिगेल घर के बाहर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी हम वॉयजेक को देखते हैं, जिसकी नजर स्टीवन की कार पर जाती है और वो उस कार के पास
चला जाता है, जहां वो स्टीवन की लाश देखकर डर जाता है। तभी अचानक से वो किलर बॉय जैक को पकड़ लेता है, पर बॉय जैक किसी तरह उस किलर से बचकर भागने लगता है, लेकिन उस किलर की साथी बॉय जैक के सामने आ जाती है और उसे चाकू से मार देती है। यहाँ एबिगेल को घर के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एबिगेल बहुत डर जाती है। तभी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, इसलिए एबिगेल डरते हुए उस लड़की को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने सैरन आ जाती है। एबिगेल सैरन को बताती है कि मैंने अभी अभी एक लड़की को घर में देखा था। इसी बीच उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों घर को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें घर के बाहर एक लड़की दिखती है, जो दोनों को देखकर अपना हाथ हिलाने लगती है और वहां से चली जाती है। फिर एबिगेल और सैरन घर में आ जाते हैं और गेट लॉक कर देते हैं। तब सैरन एबिगेल से कहती है कि शायद वो हमारी पड़ोसी है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। पर एबिगेल को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो एक बार घर को चेक करने का कहती है, जिससे सैरन भी उसकी तसल्ली के लिए घर चेक करने लगती है। तभी हम उस किलर को घर में देखते हैं, जो जय के रूम में जा रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर में चार किलर घुस आए हैं, जिनमें से एक आदमी है और तीन लड़कियां थीं। खैर, इसके बाद वो किलर जय के रूम में जाकर उसे चाकू से मारने लगता है, जिससे जय चीखने लगता है और एबिगेल को उसकी आवाज सुनाई देती है। एबिगेल और सैरन जल्दी से जय के रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें मिक्सर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सबसे पहले किचन में चेक करने जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। सैरन मिक्सर को बंद करती है। तभी अचानक उन्हें जय के रूम में रखी टीवी की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से जय के रूम में जाती हैं, जहाँ सैरन जय को उठाने लगती है। तब उसके हाथों में जय का ब्लड लग जाता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनकी नजर उस किलर पर पड़ती है, जो दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। वो किलर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे दोनों वहां से भागने लगती हैं। सैरन किसी तरह अपने रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन एबिगेल के रूम तक पहुंचने से पहले उसके सामने किलर लड़की खड़ी हो जाती है। तब एबिगेल सैरन को गेट लॉक करने का कहकर दूसरी तरफ भागती है, लेकिन वो किलर लड़की एबिगेल को पकड़ लेती है। तब एबिगेल खुद को बचाते हुए एक पेंट के डब्बे से उस लड़की पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ सैरन को अपने रूम में दूसरी लड़की दिखाई देती है, जिससे डरकर वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, जिस दौरान बॉय जैक सैरन को पकड़ लेता है। असल में बॉय जैक अभी मरा नहीं था। यहाँ सैरन बॉय जैक की हालत देखकर डर जाती है, क्योंकि चाकू लगने से बॉय जैक का काफी ब्लड बह चुका था। इसी बीच दो लड़कियां वॉशरूम का गेट तोड़कर अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद वो सैरन और बॉय जैक को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। इधर एबिगेल को हम एक जगह पर छुपा हुआ देखते हैं, जब वो किलर लड़कियां उसके सामने से चली जाती हैं। तब एबिगेल छुपते हुए घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो गेट को ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि किलर ने पहले ही सारे गेट्स को लकड़ी से लॉक कर दिया था। फिर एबिगेल किचन में जाती है, जहां वो एक गेट पर पिग लिखा हुआ देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वही किलर हैं जो मूवी की शुरुआत में मैरी और जॉन के घर में घुसे थे। खैर, एबिगेल किचन के गेट को ओपन करती है और घर से बाहर निकल जाती है, और सबसे पहले पड़ोसी के घर पर हेल्प मांगने के लिए जाती है। एबिगेल विलियम के घर की विंडो को नॉक करती है, लेकिन विलियम म्यूजिक सुनने में बिजी होता है। पर थोड़ी देर बाद विलियम को लगता है कि शायद उसकी विंडो पर कोई खड़ा है, लेकिन विलियम के विंडो पर देखने से पहले वहाँ किलर आ जाता है और एबिगेल को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब किलर एबिगेल को उसके दोस्त सैरन और बॉय जैक के साथ एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद किलर वहाँ आता है और बॉय जैक और एबिगेल को पीटने लगता है। फिर वो सैरन को मारने के लिए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर एबिगेल बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तब बॉय जैक एबिगेल से कहता है कि ये किलर हमें जान से मार डालेंगे, इसलिए हमें किसी भी तरह बचकर भागना होगा। अब बॉय जैक बेड पर पड़े एक भारी बैग को उठाकर गेट पर खड़ा हो जाता है और किलर के आने का इंतजार करता है। जैसे ही किलर उन्हें मारने के लिए गेट ओपन करता है, तब बॉय जैक किलर पर अटैक कर देता है और उस किलर पर टेलीफोन से अटैक करता है। वो एबिगेल को घर से बाहर भागने को कहता है, पर जैसे ही बॉय जैक घर के बाहर जाता है, तब किलर लड़की उस पर चाकू से अटैक करके उसे मार डालती है, जिसके बाद वो लड़की एबिगेल की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन बॉय जैक अभी मरा नहीं था और एबिगेल को बचाने के लिए वो उस लड़की के पैर को पकड़कर उसे गिरा देता है। तब वो किलर लड़की बॉय जैक को मारने लगती है, पर एबिगेल एक बड़ी लकड़ी से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो किलर लड़की बेहोश हो जाती है। यहाँ एबिगेल देखती है कि बॉय जैक की मौत हो चुकी है, जिससे वो काफी दुखी होती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी दूसरी किलर लड़की उसके सामने आ जाती
जाती है और उसे चाकू मार देती है। पर एबिगेल अभी भी वहाँ से भागती है और रोड पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे रोड पर एक कार आती हुई दिखती है, जिसे देख कर वो हेल्प मांगने लगती है। लेकिन इस कार में वही किलर होता है जो कार से उतर कर एबिगेल की ओर आने लगता है, यानी कि वो किलर एबिगेल को भी जान से मार देता है। इसके बाद अगली सुबह विलियम के बुलाने पर पुलिस आती है और इस केस की छानबीन करने लगती है, और सभी न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इसी की खबर दिखाई जा रही थी। पुलिस को कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि ये सारे मर्डर चार्ल्स और उसकी तीन साथी लड़कियों ने किए हैं, जिससे पुलिस जल्द ही उन्हें अरेस्ट कर लेती है। असल में चार्ल्स एक कल्ट चलाता था जिसका नाम उसने मैनसन फैमिली रखा था। इस कल्ट में चार्ल्स ने कई लोगों को जोड़ लिया था और वो सभी लोग किसी रिचुअल को करने के लिए लोगों का मर्डर किया करते थे। जब चार्ल्स से इंटरव्यू में मर्डर का कारण पूछा गया तो उसने अपने आप को भगवान बताया था। साथ ही जब उन तीनों लड़कियों से मर्डर का कारण पूछा तो तीनों ने बताया कि ये सब उन्होंने चार्ल्स के कहने पर किया था। फिर हमें एविगल, सैरन, वॉयजेक, जय और स्टीवन की असली फोटो दिखाई जाती है। साथ ही चार्ल्स और उसके साथियों की फोटो को भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।